लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी। व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी। अगर स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, इसे अगर सिंगल लाइन में बोला जाए, ये एक यूनिफाइड थ्योरी है या एक ऐसी थ्योरी है जो पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी को स्ट्रिंग थ्योरी क्यों कहा गया है, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर दो थ्योरीज की बात करेंगे। पहला बात करते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी और दूसरी थ्योरी होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दो थ्योरी है। अगर बात करते हैं क्वांटम थ्योरी की, तो क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है टिनी पार्टिकल्स को, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। और अगर बात करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, ये एक्सप्लेन करती है बिग सिस्टम को, जैसे सोलर सिस्टम है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सभी को ये एक्सप्लेन करती है, या फिर ग्रेविटी, इन सभी को ये एक्सप्लेन करती है। अगर बात करते हैं क्वांटम थ्योरी की, तो क्वांटम के बेस पर अगर बात करते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं और मटेरियल्स होते हैं, वो सब एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम के अंदर अगर बात करते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बने हुए होते हैं क्वार्क से। तो आप देख सकते हैं कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भी बने होते हैं क्वार्क से, इनको हम कहते हैं क्वार्क। तो क्वांटम थ्योरी जो है क्वार्क पार्टिकल तक ही सीमित है, क्योंकि यहां पर हम क्वार्क की बात करते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल हैं, वो सब के सब क्वार्क थ्योरी से, यानी कि क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट की बात ये आती है कि क्वांटम थ्योरी के बेस पर पार्टिकल का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब जब वेव नेचर होता है, तो पार्टिकल के मिलने की प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह पर होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होती है। अगर इस थ्योरी को सोलर सिस्टम पर अप्लाई करते हैं, तब वहां पर क्या होता है, पूरा सिस्टम या कंसेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर सन बहुत सारी जगह हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, तो पूरा सोलर सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है, क्वांटम थ्योरी सोलर सिस्टम को या किसी भी गैलेक्सी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बड़े सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वैसे ही अगर बात करते हैं रिलेटिविटी की, तो ये बड़े सिस्टम पर वैलिड होती है, टिनी सिस्टम या क्वार्क पार्टिकल के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड नहीं होती। तो हमको एक ऐसी थ्योरी की जरूरत थी जो दोनों सिस्टम को, छोटे सिस्टम और बड़े सिस्टम दोनों को एक्सप्लेन कर दे, उसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। इसको यूनिफाइड थ्योरी भी कहते हैं, इसको एक थ्योरी भी कहते हैं जो पूरे यूनिवर्स को, स्मॉल एज वेल एज बिग, दोनों सिस्टम को एक्सप्लेन करती है। अब इसको हमने स्ट्रिंग क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वार्क है, क्वार्क भी बहुत छोटी छोटी स्ट्रिंग से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रिंग मीन्स रॉक टाइप, इस तरीके से, या पर इस तरीके से, इसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग। यानी कि जो क्वार्क है, ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रिंग से मिलकर बने होते हैं, और इसी को कहते हैं हम स्ट्रिंग थ्योरी। और जब स्ट्रिंग थ्योरी की कैलकुलेशन आ रही थी, तब वहां पर क्या हुआ, बेसिकली एक इक्वेशन आई जो क्वांटम ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, हम ऐसा मानते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल हैं, ये जो पदार्थ हैं, वो क्वार्क से मिलकर बने नहीं होते हैं, बल्कि क्वार्क के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रिंग्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग दैट मीन्स कोई रोप टाइप होती है जो वाइब्रेशन करती रहती है, और स्ट्रिंग के जो वाइब्रेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। लेकिन इस स्ट्रिंग थ्योरी में एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट ये था कि स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशन के लिए वैलिड थी, जबकि हमारे रियल सिस्टम में ओनली 3 डायमेंशन होते हैं, और फोर्थ डायमेंशन होती है स्पेस। इसलिए इसको एक्सेप्ट स्टार्टिंग में नहीं किया गया था, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी के लिए 10th डायमेंशन स्पेस होना चाहिए, जबकि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा माना जाता कि ओनली 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी, कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है, जैसे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सॉल्व किया जा रहा था, तो उसमें एक कंसेप्ट सामने आया,
कि कोई पार्टिकल मास लेस भी होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी यहाँ पर तीन कंसेप्ट आए थे। पहला कंसेप्ट कि स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं वो 10 डायमेंशन होते हैं, जो कि हमारे इस नेचुरल सिस्टम में ओनली 3 डायमेंशन होते हैं, जबकि ये 10th डायमेंशन के लिए वैलिड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये आई कि इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास ना हो, मासलेस हो। और तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये आई थी कि इसके अंदर एक पार्टिकल ऐसा भी होना चाहिए जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो। इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज्यादा मतलब रोल नहीं मिला है, बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि फिजिसिस्ट का मानना यह है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे कंसेप्ट निकल कर सामने आएंगे और ओरिजिन पता लगा होगा, क्योंकि ये थ्योरी बिग बैंग से पहली घटना को भी एक्सप्लेन करती है, जबकि क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये थ्योरी है, मतलब ये यूनिवर्स है, कैसे बना है, इसका ओरिजिन क्या है, इन सभी सिस्टम को ये स्ट्रिंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मास लेस पार्टिकल होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर ये क्वांटम ग्रेविटी को भी एक्सप्लेन करती है। तीसरा कोई पार्टिकल ऐसा होना चाहिए जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो। अब बात करते हैं क्वांटम ग्रेविटी का कंसेप्ट यहाँ पर कैसा आया। तो क्वांटम ग्रेविटी का कंसेप्ट यहाँ पर ऐसा आया कि जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सोल्व किया जा रहा था, वो डेरिवेशन क्वांटम ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रेविटी है, हम इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कोई भी जिस तरीके से हमने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल देखा है, उसके अंदर चार टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं, चार टाइप के फोर्सेस होते हैं। पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स एंड न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इन चार फोर्सेस में या चार इंट्रैक्शन में तीन को वेल एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड पार्टिकल हमको नहीं पता। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी एप्लीकेबल होती है तो इसमें जो इंट्रैक्शन पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जबकि अभी अभी तक ऐसा कोई पार्टिकल मिला ही नहीं है जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो, या फिर कोई ऐसा पार्टिकल जिसका मास ही ना हो। लेकिन इसी थ्योरी को हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, और ये वाइब्रेशन करती रहती है, और इसके जो वाइब्रेशन होते हैं जिस तरीके से देख सकते हैं स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में होती हैं, ओपन भी क्लोज भी, काफी टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं, और इनके ही वाइब्रेशन से अलग अलग सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सब्सटेंस है, गोल्ड है, हम है, आप है, एवरीथिंग मेड बाई स्ट्रिंग्स, और उनका सबका जो नेचर होता है सब्सटेंसेस का, फॉर एग्जाम्पल पानी का अलग नेचर है, दूध का अलग नेचर है, हमारा अलग नेचर है, इन सभी का नेचर इसकी स्ट्रिंग से जो वाइब्रेशन है उनसे बनता है, और इन्हीं स्ट्रिंग को कहते हैं हम स्ट्रिंग थ्योरी। और ये एक यूनिफाइड थ्योरी है, अगर इसमें हमको सक्सेस मिलती है तो ये थ्योरी पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं सिंगल थ्योरी सिंगल यूनिवर्स, यानी कि दोनों सिंगल है, इसलिए आसानी से, इसलिए साइंस बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी और आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक अभी इसमें इतना कुछ खास हो नहीं पाया है, लेकिन इसी थ्योरी को हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। थैंक यू।